फ्रीलांसिंग देख लें, इंडियंस आए हुए हैं। आप टेक्नोलॉजी देख लें, इंडियंस आए हुए हैं। आप कोई भी ऐसा शोभा उठा लें जिसके अंदर आप कहें कि जी बिजनेस है, इंडियंस है। मैं बेसिकली यूएई में होता हूं, तो वहां पर भी आप देखें जो सबसे बड़ा ग्रुप है मार्केटिंग का, लुलू नाम है उसका, उसका जो ओनर है वो इंडियन है। वीडियो के अंदर एक बहुत बड़ी न्यूज निकल कर आ रही है अमेरिका से। अमेरिका की नासा कंपनी के चीफ ऑफ हेड बन गए गाइस एक इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक रखने वाला शख्स। क्या वजह है कि हर एक सेक्टर्स के अंदर इंडियंस दुनिया को लीड कर रहे हैं? अगर मैं बात करूं ट्विटर के सीईओ, अगर मैं बात करूं गूगल के सीईओ, हर एक सीईओ इंडिया से ताल्लुक रखते हैं। पाकिस्तानी कहां जाते हैं? में इस टाइम जितने पाकिस्तान के फॉरेन रिलेशन जितने बुरे हैं, उतने ही इंडिया के फॉरेन रिलेशंस उतने अच्छे गए। सीएसएस कर रहा हूं, पीएमएस। मैंने अगर कोई करंट अफेयर्स में कोई क्वेश्चन उठाना तो मैं उनके चैनल पर जाता हूं भाई, मैं यूट्यूब पर सर्च करता हूं। हां जी, इंडियन आईएएस चैनल है, उनके कई और चैनल यूपीएससी के वो तैयारी करवा रहे हैं। अगर हम बात करें अमेरिका के अंदर, अमेरिकन रूलिंग नहीं कर रहे बल्कि इंडियंस कर रहे हैं। बड़े बड़े सीईओज भी इस टाइम इंडियन ज्यादा हैं। नासा की भी बात करें तो चीफ हेड जो है वो इंडियन को बनाया गया है। व्हाई इंडियंस रूलिंग एवरीवेयर? अमेरिका के नासा कंपनी के जो सीईओ जो चीफ जो है, जो को पूरी नासा को डील करता है, नासा का हेड जोन सा है, वो इंडियन ओरिजिन से बन गया सर। इसके अलावा अगर मैं बताऊं आपको, चार या पांच कंट्रीज के पीएम इस टाइम जोन से, प्राइम मिनिस्टर से, वो भी इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक रखने वाले हैं। अगर मैं गलत नहीं हूं तो बड़ी बात की जाए इंडिया की और पाकिस्तान की एजुकेशन के हवाले से, टेक्नोलॉजी के हवाले से, क्या वजह है कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी देख लें, बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी, वहां पे हमें सीईओ इंडियन या फिर इंडियन ओरिजिन नजर आते हैं। रिसेंटली नासा के जो चीफ टेक्नोलॉजिस्ट है वो भी इंडियन ओरिजिन बना है, और उससे पहले जो था वो भी इंडियन ओरिजिन था। वजह क्या है कि क्या वो तेजी से पहले उन्होंने आईटी में अपना एक नाम बनाया, वो टेक्नोलॉजी के ऊपर अपना? अच्छा, इस पे जो उनसे पाकिस्तान उनसे ना बिल्कुल भी अपनी जो एजुकेशन प्रमोट नहीं करता आगे, बिल्कुल भी नहीं करता यहाँ पर आगे। यहाँ पर जब जो स्प्लिट एजुकेशन सिस्टम है ना, ये तो वो बड़ा काम खराब है कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनकी फीसें बहुत ज्यादा है कि जो गरीब बच्चे हैं अफोर्ड नहीं कर सकते, और गवर्नमेंट जो स्कूल्स हैं उनकी एजुकेशन इतनी अच्छी है नहीं कि वो आगे बढ़ सकें। अगर इसी के साथ हम कंपेयर करें इंडिया के साथ, आप देखें कि कोई भी फ्रीलांसिंग देख लें, इंडियंस आए हुए हैं। आप टेक्नोलॉजी देख लें, इंडियंस आए हुए हैं। आप कोई भी ऐसा शोभा उठा लें जिसके अंदर आप कहें कि जी बिजनेस है, इंडियंस है। मैं बेसिकली यूएई में होता हूं, तो वहां पर भी आप देखें जो सबसे बड़ा ग्रुप है मार्केटिंग का, लुलू नाम है उसका, उसका जो ओनर है वो इंडियन है। क्या वजह है कि टेक्नोलॉजी हो, आईटी हो, या फिर कोई भी फील्ड हो जिसका लिंक कहीं ना कहीं एजुकेशन से, खासतौर पर मेडिकल की अगर बात करें, बहुत तेजी से इंडिया ग्रो कर रहा है। बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी के सीईओ इंडिया हमें इंडियन नजर आ रहे हैं या इंडियन ओरिजिन नजर आ रहे हैं, और सीईओ को छोड़े आप तो प्राइम मिनिस्टर और हमें पता नहीं प्रेसिडेंट कौन कौन जो उनसे हैं वो दूसरी कंट्रीज के, वो इंडियन ओरिजिन नजर आ रहे हैं। सर असल में बात भला क्या है, पाकिस्तान और इंडिया बराबर थे ठीक है एक दौर में, लेकिन आज बेशक हमारा वो दुश्मन मुल्क है जो भी है, ये भी हमें बताया जाता है, दुश्मन मुल्क है वो, हमें जो सिखाया जाता है हमारी गवर्नमेंट जो है। लेकिन सर मैं आज कहता हूँ, दिल से कहता हूँ कि जो इंडियंस हैं वो हमसे 50-60% आगे निकल चुके हुए हैं। किस हवाले से? सोच एजुकेशन, एजुकेशन के हवाले से, स्पोर्ट्स के हवाले से, हर एक्टिविटी के हवाले से, इंटरटेनमेंट हर चीज से वो आगे निकल चुके हुए हैं। वो आगे कैसे निकले हैं मेरे भाई? वो आगे इससे निकले हैं कि वहां पर लोगों को ना कोई भी काम करते हैं ना, वहाँ पर लाइफ पुलिंग नहीं होती, वहाँ पर लाइफ पुलिंग नहीं होती। अगर आप रेडी भी लगा रहे हैं तब भी आपकी इतनी ही वैल्यू है, अगर उसी रेडी से अपना कारोबार कर लेंगे ना या अपना रेस्टोरेंट डाल लेंगे तब भी आपकी इतनी वैल्यू होगी। मैं आपको एक बात बताऊँ, तरक्की का रास किया इंडिया, मैं आपको छोटी सी बात बता दूँ, इंडिया जो है ना वो इस टाइम उसका आप छोटा बच्चा भी देख लेंगे ना, वो मोबाइल पे गेम ट्रेडिंग कर रहा है, हर चीज में वहाँ पे ट्रेडिंग हो रही है, वहाँ की गवर्नमेंट रोकती नहीं है। हमारे यहाँ बिटकॉइन भी हराम, बिटकॉइन भी हराम है, हर चीज हराम कर दिया। जो बंदा सर हमारा वकार जका क्यों रोता रोता चुप करके बैठ गया, बाहर चला गया, वो कहता था कि जितना पाकिस्तान में पैसा है ना वो सारा इंडिया जा रहा है पैसा। अच्छा, वो कैसे? आप देखें, आप उसका इंटरव्यू सुने, वो ऐसे जा रहा है कि वहाँ पर लोग प्रमोट कर रहे हैं ई मनी को, यानी यहाँ पे आ सकता है वो, वहाँ सारा पाकिस्तान पैसा आना था जो हमने प्रमोट करना था, वकार जका इसलिए लगा हुआ डिजिटल करेंसी की। और आपको मजे की बात, उनकी अपनी डिजिटल करेंसी है, हमारे यहाँ पे तो इंटरनेशनल डिजिटल करेंसी बैन है ना, उनकी अपनी डिजिटल करेंसी। उसका गूगल का जो सीईओ है वो इंडियन है, ठीक हो गया। उसका जो आईटी, मतलब आईटी में कितना वो फास्ट जा रहे हैं, ट्विटर का सीईओ, ट्विटर का सीईओ इंडियन है। गूगल की बात की, बिल्कुल पे पाकिस्तानी भी काम कर रहे हैं, ये पाकिस्तानी, लेकिन सीईओ नहीं कभी बात, कम है। आप चेक करें, कोई भी आप ट्विटर की बात कर रहे हैं, आईटी के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनके बंदे आगे हैं। वो क्यों आगे? क्योंकि वहां पे एजुकेशन है, ठीक है, वो बड़ा कंट्री है, आप कह रहे हो दुनिया का दूसरे नंबर पे आबादी के लिहाज से, बट बात ये है कि उनकी प्रोग्रेस भी है, वो एक डेवलपिंग कंट्री में आ रहा है, हम जो है वो डेवलप्ड कंट्री में, सॉरी है, हम डेवलपिंग है, डेटा वो 60 आपके मुताबिक है, वर्ल्ड लेवल पे 60 कोई नहीं है, वो 30 से भी कम है, ठीक है, वर्ल्ड लेवल पे आप चेक करें तो वो आपके मुताबिक जो आप कह रहे हैं हमारे मुल्क में जो रेट है ना, लिटरेसी रेट, वो ऐसे मेजर करते हैं कि जो अपना नाम लिखना जानता है वो पढ़ा लिखा है, बट दिस इज रॉन्ग भाई। बात यह है कि लोग जो है ना, जितनी भी कौम जिन्होंने तरक्की की है वो उन्होंने एजुकेशन पर ध्यान दिया है,
आपकी एजुकेशन फ्लॉप है, आपके एजुकेशन सिस्टम के अंदर कोई स्किल्ड बेस्ड नॉलेज नहीं है, कोई स्किल्ड बेस्ड प्रैक्टिकल कोई चीज नहीं सिखाई जा रही। उसके बाद ये कि आप चेक करें, मैं स्टूडेंट हूँ भाई, मैंने केमिस्ट्री का कोई लेक्चर सर्च करना है, फॉर एग्जाम्पल मैं कंपेटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, मैं सीएसएस कर रहा हूँ, पीएमएस, मैंने अगर कोई करंट अफेयर्स में कोई क्वेश्चन उठाना तो मैं उनके चैनल पर जाता हूँ भाई, मैं यूट्यूब पर सर्च करता हूँ, हाँ जी इंडियन आईएएस चैनल है, उनके कई और चैनल यूपीएससी के वो तैयारी करवा रहे हैं। अब मसला क्या, हम पाकिस्तान में हमारे कोई इतनी वो एडवांसमेंट नहीं है ना, हमारे अंदर टेक्नोलॉजी नहीं है, हमारी टेक्नोलॉजी हर है यूज कोई नहीं कर रहे, इस्तेमाल नहीं कर रहे। उसके लिए भाई जान चाहिए डेडिकेशन। आपके टीचर बड़े माशाल्लाह लेवल के टीचर यहाँ पे मौजूद है, बट दे डोंट नो हाउ टू टीच, यू नो हाउ टू टीच इन सोशल मीडिया, हाउ टू टीच एट यू कैन से हाउ टू यूज इवन जूम, दे डोंट नो हाउ टू यूज जूम। जूम पे क्लासेस पढ़ाने नहीं आ रही, मीट पे लेक्चर देना नहीं आ रहा। मेरे भाई उसकी रीजन ये है कि ट्रेंड नहीं बनाया जा रहा, वहां पे ट्रेंड बन चुका है कि हमने आईटी में आके जाना है, हमने टेक्नोलॉजी, यहां पे ट्रेंड ही नहीं आ रहा कि यार हमने एजुकेशन में आके जाना है। यहां पे कोई एक यूट्यूब चैनल बता दें, कोई मेन सोशल मीडिया बता दें, आप तो पीपीएससी की कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करें, कोई चैनल बताएं कि जो पाकिस्तान के और वहां पे बड़ी तादाद में स्टूडेंट जाते हैं तैयारी के लिए। अच्छा सर, आपको लगता है कि हम इतने ईमानदार हैं, जो बात जो कमिटमेंट करते हैं अगले बंदे के साथ वो पूरी करते हैं? व्हाई इंडियंस आर सुपीरियर? अगर बात करूं मैं अमेरिका की, आपने कहा कि सारी कंपनीज के सीईओज हैं, तो पाकिस्तानी क्यों नहीं है, क्या वजूहत है? देखिए मैं जरा सा आपको करेक्ट करूंगा, देयर आर अ लॉट ऑफ पाकिस्तानीज, अल्हम्दुलिल्लाह जिस सिटी से मेरा ताल्लुक है ह्यूस्टन से, वहाँ पे देयर आर वेरी प्रोमिनेंट, बल्कि ये 23 जनवरी को हमारे वहाँ पे पाकिस्तानी कम्युनिटी सेंटर की ओपनिंग भी है, बहुत वहाँ पे अच्छी अच्छी बड़ी कंपनी, क्रेडिट कार्ड प्रोसेसिंग हो गई, आपके बड़े बड़े ट्रक स्टॉप्स हो गए, वहाँ की ट्रकिंग कंपनीज आर ओन्ड बाय पाकिस्तानीज, सो मैं इस बात से डिसएग्री करूंगा। अगर हम देखते हैं तो एजुकेशन लेवल के अंदर सर प्रेफरेंस क्यों मिलती है? अब भी मैंने खाली आपने की अमेरिका की बात, अब हम करते हैं मिडिल ईस्ट की तरफ आते हैं सर। मिडिल ईस्ट के अंदर 60% इंडियंस ने इन्वेस्टमेंट की हुई है, लेकिन वहाँ पर अगर इंडियन जाए तो फ्री, पाकिस्तानी जाते हैं तो आपके पास भाई 500 आपके पास आपके अकाउंट में होने चाहिए, 5000 रियाल आपके अकाउंट में होने चाहिए, देन आपको एंट्री मिलेगी यूएई के अंदर। ये क्या सीन है सर? हमारे 24 सिटीज को भी सिटीजन को भी बैन किया हुआ कि आप दुबई नहीं आ सकते, आप यूएई नहीं आ सकते, इसको कैसे देखते हैं, लेकिन इंडियंस फ्री जाते हैं? देखिए मेरा मिडल ईस्ट एक्सपीरियंस नहीं है, दो आई हैव बीन टू कतर, आई लिव्ड इन कतर फॉर अ लिटिल व्हाइल, लेकिन मैं ये कहूंगा कि वन उम्मत वाली स्ट्रेटजी मेंटेन नहीं करेंगे वी, यू, मी, माय फ्रेंड्स हियर, पूरी जो हमारी एटलीस्ट पाकिस्तानी को, यस आई अंडरस्टैंड कि मिडल ईस्ट से हमारा वो, हमें जब तक हम उम्मत नहीं बनेंगे और उसके ऊपर काम नहीं करेंगे तब तक चाहे वो मिडल ईस्ट हो, वो जर्मनी हो, वो यूएस हो, यूके हो, हम लोग हमारे इश्यूज होते रहेंगे। इंशाल्लाह दिस इज द यूथ्स जॉब व्हाट वी हैव डन। तो हमारे मुल्क इस टाइम मईशती शिकार है सर, हमारे पास उस किस्म की, मैं क्राइसिस की मैं बात कर रहा था, क्राइसिस से हम थोड़ा हट गए सर। आपको नहीं लगता कि अगर हम पैसे के तौर पर, अगर हम मालियती तौर पर ये भी इंपॉर्टेंस दे के भाई पैसा भी जरूरी है जिंदगी जीने के लिए, अपनी इज्जत को बरकरार रखने के लिए, सर यहाँ पर देखें कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपको कोई पूछता नहीं, आपके पास बड़ी गाड़ी नहीं है तो आपको कोई सलाम नहीं करता, लेकिन अल्लाह के नज़दीक ये चीज़ें हैं सर। लेकिन आपके पास पैसा तो आप गरीबों की मदद भी तो कर सकते हैं सर, पैसा जरूरी है या नहीं? अमेरिका 250-300 साल उसकी उम्र हो गई है, मेरे वतन की सिर्फ 75 साल उम्र है, तो जब तक मेरे मुल्क को भी 250 साल आप दें उसके बाद हम बात करेंगे। आप देखिएगा पाकिस्तान पूरी दुनिया को खिलाएगा, ऐसा हुआ है कि हमने जर्मनी को लोन्स दिए हैं, इट्स बीन इन द पास्ट, इन अय्यूब खान वी हैव गिवन लोन टू चाइना, सो दैट डे इज नॉट फार अवे कि वी विल रूल ओवर द होल वर्ल्ड इंशाल्लाह।